आपका स्वागत है। मैं आपके साथ राजा दास और आप देख रहे हैं क्यूपी न्यूज 924 आवाज जनता की ब्रेकिंग न्यूज। इस बात की बड़ी खबर है, सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने युवा एकता परिषद का खटखटाया दरवाजा। आपको बता दें कि इन दिनों युवा एकता परिषद के पंडित सचिन शर्मा सूर के निर्देश में परिषद के युवा ने जनता के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने का मोर्चा खोल रखा है। आपको बता दें कि सड़क निर्माण कराने को लेकर ग्रामीण ने युवा एकता परिषद के प्रदेश में संयोजक कुशल चंद्र पांडे को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने बताया है कि ग्राम पंचायत उकठा कंचनपुर के ग्रामवासी आजादी के 74वें वर्ष बाद भी सड़क के बिना कीचड़ व गड्ढों में चलने को मजबूर हैं। गांव पड़रा से पैपखरा पैसोनियान टोला तक सड़क निर्माण कराए जाने को लेकर युवा एकता परिषद से सहयोग मांगा गया है। वहीं युवा एकता परिषद ने ग्रामीणों को आश्वासन करते हुए कहा है कि ग्रामीणों के अधिकारों के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, जल्द ही शासन प्रशासन से सड़क की निर्माण कराने की मांग की जाएगी। आगामी दिनों में युवा एकता परिषद ग्रामीणों के साथ मिलकर अधिकार यात्रा शुरू करेंगे। प्रदेश संयोजक कुशल चंद्र भैया को एक ज्ञापन सौंप रहे हैं। हम यह चाहते हैं कि जल्द से जल्द गांव का हमारे विकास हो और रोड बने। हाँ बाबूजी, आप लोगों की क्या मांग है? बस हम लोगों की मांग यही है कि गांव में हमारे रोड बन जाए, और काफ़ी सालों से 25-30 साल से रोड नहीं बन रही है यहाँ पर। यहाँ के जनप्रतिनिधि सरपंच और सेक्रेटरी का क्या कहना है इस रोड को लेकर? बस वही इनका कहना यही है कि रोड बन रही है, बनवाएंगे, लेकिन बनवा नहीं रहे। 5 साल बीत गए, सरपंच उनका भी ऐसे बीत गया पैसा ऐसा सब मंजूर है, सब कुछ है, सब आ चुका है, लेकिन बनवा नहीं रहे। यदि रोड नहीं बनती तो अब आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे इसके पहले मतदान का बहिष्कार भी किया गया, बहिष्कार करवा चुके हैं लोग, समय मतदान का बहिष्कार हो चुका है यहाँ पर। इसके बाद कलेक्टर महोदय को जो आवेदन दिया है उसमें लिखा है यदि जब हमारी रोड नहीं बनती है आगे आने वाले समय में जो भी चुनाव होंगे सभी का बहिष्कार किया जाएगा और हम लोग अनशन करेंगे। हम लोग अनशन करेंगे।